सीकर से खबर है, विदेश का जॉब वीजा दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला है। जॉब वीजा की जगह विजिट वीजा भेजकर ठगी को अंजाम दिया गया है। पीड़ित ने उद्योगनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पंजाब के जालंधर निवासी असीम पर ठगी का आरोप लगा है। पीड़ित ने 25 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। तो पुलिस थाने में FIR दर्ज करा दी गई है। विदेश का जॉब वीजा दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी है। जॉब वीजा की जगह दिलवा दिया विजिट वीजा और ठगी को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने उद्योगनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पंजाब के जालंधर निवासी असीम है, इस पर ठगी का आरोप लगा है 25 लाख के। तो पीड़ित ने 25 लाख की ठगी का आरोप लगाया है, ये बड़ी खबर है। और आपको जानकारी दें कि सीकर में किस तरीके से ये मामला सामने आया है कि एक व्यक्ति जिसे विदेश का जॉब वीजा दिलाने के नाम पर विजिट का वीजा दिला दिया गया, लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 25 लाख की ठगी बताई जा रही है। और अब पंजाब के जालंधर निवासी असीम पर ठगी का आरोप लगा है। तो पंजाब के जालंधर निवासी असीम पर ठगी का आरोप लगा है। विजिट वीजा दिला दिया गया जॉब वीजा के नाम पर। और अब पीड़ित ने पुलिस थाने में FIR इस मामले में दर्ज करा दी है। असीम बताया जा रहा है आरोपी का नाम जिसने ठगी की है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो खबर है वो संदेश अभी दे रही है कि अगर आप जॉब वीजा चाहते हैं या किसी भी काम के सिलसिले में किसी भी व्यक्ति के पास अगर जाते हैं तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पैसा दीजिए, अन्यथा ये ठगी आपके साथ भी हो सकती है। और सीकर से ये खबर है, जॉब वीजा की जगह विजिट वीजा भेजकर ठगी को अंजाम दिया गया है। जगदेव मेरे साथ मौजूद हैं। जगदेव, क्या है पूरी खबर? जी, आप बताना चाहेंगे, ये एक विदेश में जॉब लगाने के नाम से जो है ठगी की गई है। कंसल्टेंसी का काम करने वाले, विदेश भेजने की कंपनी है, उसका जो एक पीड़ित है महेश, उसने जो है ये मुकदमा उद्योगनगर थाने में दर्ज करवाया है। उसने कहा है कि मैं और मेरा एक साथी है वो यहाँ विदेश भेजने का काम करते हैं, और उनका पिछले कुछ दिनों पहले जो है पंजाब के रहने वाले एक युवक से उनका जो परिचय हुआ है, उसने जो है जॉब लगाने के नाम पे इनसे पैसे लिए, करीब 25 लाख रुपए बता रहे हैं कि 25 लाख रुपए उसने लिए हैं। और जॉब दिलाने के नाम पे जो है वीजा देने की बात कही थी उसने शुरू में, उसके बाद में जो है उसने विजिट वीजा जो है इनको दे दिया था। उसके बाद में विजिट वीजा से जो है इन्होंने युवकों को बाहर भेजा था, तो कुछ दिन बाद में वापस यहाँ लौट आए थे, और अब ये है जो है पैसों की वापस मांग कर रहे हैं, जिसके चलते अब जो है आरोपी इनका फोन नहीं उठा रहा है, और इन्होंने जो है अब उद्योगनगर थाने में ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया है, और ये 25 लाख की ठगी करने का मामला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जगदेव तमाम जानकारी के लिए। तो 25 लाख की ठगी का आरोप लगा है और आरोपी का नाम बताया जा रहा है असीम। और अब पुलिस थाने में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उद्योगनगर थाने में ये FIR दर्ज कराई गई है। पंजाब के जालंधर निवासी असीम पर ये ठगी का आरोप लगा है। 25 लाख की ठगी का आरोप लगा है। जॉब वीजा दिलाने के नाम पर विजिट वीजा दे दिया गया, और अब पीड़ित ने इस मामले को लेकर पुलिस थाने में FIR लॉन्च करा दी है।